ओहो गाइस, अपन हंटिंग करते करते बहुत दूर आए एंड यहाँ पे देखो अपने को क्या मिला, फिशिंग रॉड और कैंप फायर मे बी। हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रैंच सिमुलेटर। तो गाइस आज हम लोग अपना नया किचन सेटअप करने वाले हैं अपने नए घर के अंदर एंड चीज और मीट का प्रोडक्शन भी चालू करने वाले हैं, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइस हमने लास्ट एपिसोड में अपना पूरा स्क्वाड हाउस बना लिया था ऊपर से लेकर नीचे तक एंड काफी बढ़िया लग रहा है। मेरे को कुछ लोगों ने बोला कि ये वाला बालकनी एक्सटेंड करो, तो इसको हम चलो बाद में करेंगे, बट आज हम लोग अपना किचन बनाने जा रहे हैं सेकेंड फ्लोर पे, ऊपर वाले फ्लोर पे। एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ ये अपना क्योरिंग रूम होगा, यहाँ पे मैं ये बनाऊंगा अपना प्रिजर्विंग बिन बनाऊंगा दोनों, और ये दोनों प्रिजर्विंग बिन बनाऊंगा मैं यहाँ पे चीज के लिए और मीट के लिए, और यहाँ पे अपना गैस चूल्हा रहेगा, सारी चीजें रहेगी और डब्बे वब्बे भी मैं यहीं पे रखूंगा। काफी जगह है भाई अपने पास अच्छा खासा किचन बनाने के लिए। तो चलो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ गाइस प्रिजर्विंग बिन से। प्रिजर्विंग बिन हम लोग लगा देते हैं, तो चलो गाइस यहाँ पे प्रिजर्विंग बिन लगा लेते हैं और मैं यहाँ से बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं चलेगा कि दीवार से कितना दूर है, अब मेरे को पता चल रहा है। तो एक एंड ये रहा दो। ओके नाइस, अभी मैंने मीट के लिए दो बना लिया है और मैं अब चीज़ के लिए बना लेता हूँ। तो चीज़ के लिए मैं यहाँ पे बनाऊंगा और काफ़ी जगह रहेगी यार अपने पास। चलो नाइस, हमने रूम भी अच्छा चूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे तो कुछ करने का और है नहीं, तो यहीं पे हम अपना सारा मीट वीट ला के टांग देंगे, मीट और चीज़ दोनों चीज़ें अंदर रख देंगे। ओके अब मेरे को वुड और मेटल चाहिएगा इस काफ़ी सारा। ओके ठीक है, वुड और मेटल लाना पड़ेगा गाइस। वुड तो मेरे पास होगा बट मेटल नहीं होगा मेरे पास। वुड तो है इधर, और इधर क्या हाल चाल है भाई, इधर क्या हाल चाल है, इधर अपने पिग बड़े हो रहे हैं, क्या बात है, बच्चे पिग बड़े हो गए। और भाई यहाँ पे चार पिग है। ओके और गाइस ये फीमेल पिग हमारी मर गई थी, बट हम इसको स्किन नहीं कर सकते क्योंकि बग है तो हम स्किन नहीं कर सकते। अब वो फिक्स हो जाएगा बहुत जल्दी, बट चलो ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे खाना ख़त्म हो रहा है तो मैं खाना डाल देता हूँ एक सेकेंड, और फिर हम चिकन का भी देख लेते हैं भाई चिकन्स का क्या हाल है, अपने चिकन अंडे अंडे दिए कि नहीं, और खाना पीना है कि नहीं प्रॉपर वहाँ पे। ओ भाई अंडे तो काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, और खाना पीना 5 और 5.1, ठीक है नाइस सही है। तो गाइस मैं चल के अंडे कलेक्ट कर लेता हूँ, अंडे यहाँ पे काफ़ी सारे हैं तो अपन बेच के भाई कुछ पैसा आ जाएगा। अरे भाई मेरे को कलेक्ट करने दो, हेलो कलेक्ट करने दो। यहाँ पे अभी हमने एक भी रूस्टर नहीं रखा है क्योंकि देखो ऑलरेडी 4 चिकन हैं अपने पास, और रूस्टर रख दूंगा तो और बढ़ते जाएंगे एंड यहाँ पे हैंडल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे लिखा है कि सिर्फ 5 चिकन ही रह सकते हैं ये छोटे आले में। अरे भाई लेने दो। ओके चलो गाइस अंडे उठा लिए हमने काफ़ी सारे, पता नहीं 8-10 थे अंडे, ठीक है मैं इनको गाड़ी में रख देता हूँ नहीं तो भूल जाऊँगा। ओके नाइस, और यहाँ पे गाइस हमने अपना छोटा सा बिस्तर भी लाके रख दिया है क्योंकि यहाँ पे बेड तो बना नहीं सकते हैं, तो ये अपना कैंपिंग वाला बेड। और मैं गाय से दूध भी निकाल लेता हूँ गाइस, क्योंकि टाइम हो चुका है, शाम हो गई है, तो दिन में 2 बार गाय दूध देती है, एक बार हमने सुबह निकाल लिया था बट अब शाम का टाइम आ चुका है तो ये भी निकाल लेते हैं। मेरे को और गाय लानी पड़ेगी और पिग्स लाने पड़ेंगे। चलो पिग्स तो अभी के लिए काफी है, मेरे को और गाय लानी पड़ेगी क्योंकि चीज से सबसे ज्यादा पैसा मिलता है भाई अभी के लिए, तो मेरे को खूब सारी गाय लानी पड़ेगी। ये मैं उठा के कहाँ ले जा रहा हूँ भाई, ये मेरे को कहीं ले नहीं जाना है। ओके तो गाइस अभी रात का टाइम हो चुका है, तो हम लोग सुबह होते ही फटाफट चलेंगे जनरल स्टोर की तरफ। सुबह हो गई मामू, चला जाएगा इस, सुबह हो चुकी है और मेरे को पेट्रोल भरना पड़ेगा यार। रुको मैं इससे ही भर देता हूँ पेट्रोल अभी, नहीं तो मेरे को गैस स्टेशन जाना पड़ेगा, बहुत दूर है भाई, गैस स्टेशन सबसे दूर है भाई, एकदम कोने में है, बट वहाँ पे हंटिंग वाला अच्छा इलाका है, वहाँ पे काफ़ी सारे डियर और भालू मिलते हैं। भालू थोड़े कम हैं लेकिन डियर भाई भर भर के आ रहे हैं इस बार, अपडेट के बाद से डियर बहुत सारे आ रहे हैं। ओके मेरे को लगा गाड़ी को क्या हो गया भाई, गाड़ी खराब हो गई, मैकेनिक बुलाना पड़ेगा है। ओ ये देखो भाई डियर की बात की और यहीं पे डियर आ गए इतने सारे, हेलो तो 3। रुक 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 रुक, अरे नहीं, यस यस, आई मीन दो ही डियर मिले हमें, बट चलो 2 डियर भी काफी है क्योंकि अगर मल्टीप्लायर हुआ वहां पे तो काफी पैसा मिल जाएगा भाई, एंड अभी तो हमें पैसा ही पैसा चाहिए जितना हो पाए।
मैं देख लेता हूँ यहाँ बेचने के लिए है क्या वाइल्ड मीट का मल्टीप्लायर। ओके चीज ब्लू मोल्ड और चीज वाइट मोल्ड। ओके नहीं है भाई, तो चलो हम लोग जनरल स्टोर पे चलते हैं और गाय खरीद लेते हैं। गाय अपने गाड़ी में आ जाएगी आराम से, तो हम गाय खरीद लेते हैं और मैं वहाँ से गैस चूल्हा तो अपना हार्डवेयर स्टोर पे मिलता है, ठीक है, तो और चीज़ें भी ले लेंगे जो भी हमें चाहिए अभी। ओके हेलो 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 हेलो, ओ भाई अगर मैं दो गाय खरीदूंगा तो मैं पूरा कंगाल हो जाऊंगा, तो अभी हमें वो नहीं होना है ऑब्वियसली। एंड मैं एक गाय खरीदता हूँ गाइस, एक गाय खरीदता हूँ अभी के लिए, और मेरे को चाहिए ब्लू मोल्ड। यहाँ पे मैं भाई रिस्क वाला काम कर रहा हूँ, या तो मैं कंगाल हो जाऊँगा पूरा या फिर हमारा जो बूस्ट चाहिए था वो हमें मिल जाएगा। तो अभी मैं एक ब्लू मोल्ड ले लेता हूँ और एक गाय ले लेता हूँ, एंड अभी के लिए तो मैं और कुछ नहीं लूँगा भाई। $800 वैसे ही हो चुका है, तो थोड़ा भाई सेविंग्स में रख के चलते हैं, बिकॉज कब क्या हो किसी नहीं जाना। चलो गाइस अब जबकि मेरे पास दो दो गाय आ चुकी है, तो मैं अंडे क्यों बेचूं भाई, अंडे बेचने का मतलब नहीं है, क्योंकि मैं अंडे अपने चीज़ में ही डाल दूंगा तो मेरे को काफ़ी प्रॉफिट हो जाएगा। मैं कुछ चीज़ें और लाना भूल गया, बट अपने पास जगह भी नहीं है, तो मैं पहले इनको रख देता हूँ, ये गाय और अंडे भी रख देता हूँ। मेरे को लाना था मेटल, लाना था क्योंकि जो प्रिजर्विंग बिन है जिसमें अपन अपना मीट टांगेंगे और चीज़ रखेंगे, उसके लिए अपने को मेटल चाहिए, तो अभी मेरे को वो लेना है। एंड चलो गाय को मैं अंदर रख देता हूँ। ये देखो ये गाय बड़ी शानी है भाई, इसको पता चल गया हम नया सदस्य लाए यहाँ पे, तो गेट के पास आके खड़ी हो गई। हेलो ये क्या है? 5 minutes later. ओ देखो सब निकल जाएंगे, सब निकल गए रे बाबा। मेरे को पता है यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे डबल गेट सिस्टम लगाऊंगा, एक गेट के पीछे एक गेट, समझ रहे हो? तो जब हम एक गेट खोलेंगे और अपना एक नया एनिमल लाएंगे तब दूसरा गेट बंद रहेगा और अपने जो पीछे वाला एनिमल्स है वो नहीं आ पाएंगे। तो ये डबल गेट सिस्टम मैं लगाऊंगा अभी बहुत जल्दी, ताकि ये लोग निकल ना पाए। वो देखो भाई वो निकल ही गए फाइनली। Thousands of tears later. Done guys, done. सारे एनिमल्स हमने अंदर रख दिए फाइनली। अब मैं सेव कर देता हूँ और चलो हम देख लेते हैं क्या क्या चाहिए, उस हिसाब से मैं सारी चीजें भी ले आता हूँ। हमें देखो यहाँ पे टेबल बनाना है, यहाँ पे मेटल चाहिए गाइस, हमें काफी सारा मेटल चाहिए, तो 18, 36 एंड 72 मेटल चाहिए भाई, मेटल की हाई डिमांड है। एंड यहाँ पे तो मैं अपना कॉम्पैक्ट कुकर ला सकता हूँ और 3-4 बर्तन और ला सकता हूँ, चलो देखते हैं हम क्या क्या ला पाएंगे। ओके भाई देख लेते हैं कि क्या क्या प्राइस है मेटल और इसका। तो गाइस 50 प्लेट मेटल $500 के, हे भगवान हे भगवान। सोने का मेटल है क्या? तो मैं अभी के लिए सिर्फ एक प्रिजर्विंग बिन मीट का बनाऊंगा और एक चीज का बनाऊंगा, तो हमें चाहिए टोटल 32। 50 ले ही लेता हूँ, काम आ ही जाएगा वो। एंड मैं और कुछ नहीं ले पाऊंगा यार, तब तो बहुत बहुत ज़्यादा ही ख़त्म हो जाएगा। ओके मैं मे बी कॉम्पैक्ट कुकर एक और ले सकता हूँ और एक और पैन ले सकता हूँ। That's it guys. Okay. ठीक है। चलो 691 एंड फाइनली हमारे पास $27 बचा है गाइज, ओपी सेविंग ओपी। चलो ये हम कलेक्ट कर लेते हैं गाइज अपना सामान एंड चलते हैं कुछ चीज़ बनाने के लिए, चीज़ बनाने के लिए। तो मैं ले चलता हूँ अपना मेटल ले चलता हूँ एंड चल के मेटल लगा देता हूँ अपने दोनों प्रिजर्विंग बिन में फिलहाल के लिए। तो एक ये रहा 18 मेटल और ये 18 मेटल। ओ भाई अपना मेटल मैं इधर ही पटक देता हूँ, ये इसके अंदर पटक देता हूँ, ये बढ़िया जगह है रखने के लिए। और मैं लकड़ी ले आता हूँ गाइस, मेन तो अपने को लकड़ी चाहिए, 16-16 32 लकड़ियाँ चाहिए, तो मेरे पास आई थिंक 32 लकड़ियाँ होनी चाहिए, देखते हैं गाइस। तो गाइस अपने दोनों प्रिजर्विंग बिन बन के तैयार हैं भाई, आराम से बन चुके हैं। एंड यहाँ पे कितने कितने आएंगे, मेरे ख्याल से 2 या 3 आ जाएगा, इसमें चीज़ के डब्बे और इसमें सॉसेजेस 6 आएंगे। ओके सॉसेजेस या फिर मीट बॉल थोड़ा कम है, बट चलो ठीक है, ये अच्छी बात है कि हम शायद इसको इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जितना चाहे उतना बना लेंगे। अभी हम चल के गए थोड़ा बहुत दूध ले आते हैं एंड हम लोग चीज़ बनाना चालू करते हैं गाइस, क्योंकि चीज़ अभी हम लोग बना सकते हैं। एंड देख सकते हो भाई यहाँ पे पिग काफ़ी सारे बड़े हो रहे हैं, तो इनको बड़े होने देंगे, देन हम इनको आराम से मीट भी बना पाएंगे। इधर देखता हूँ खाना, ओ भाई 2 पे आ गया खाना, अभी तो ये बहुत जल्दी खाएंगे भाई, मेरे को यहाँ पे भर के रखना पड़ेगा पूरा का पूरा।
नहीं तो खत्म एंड अपना भी काम खत्म। ओके फुल हो गया, फुल हो गया। पानी नहीं पी रहे यार ये लोग भाई, पानी अपने आप बारिश से भर रहा है क्या? कोई नहीं, हम दूध निकाल लेते हैं भाई, वो लोग पानी पिए हैं ना, हमें तो दूध निकालना है। एंड इसको हम अपने डब्बे में रख लेते हैं। वेयर इज आवर डब्बा? ये रहा 21 एंड ये 28 हो जाएगा, तो चार चीज। ओए वो नीचे जा रहा था वापस, बाल्टी में छेद है अपनी। हेलो, अभी मैं क्या करूंगा गाइज, अपन चीज बनाते जाएंगे और मैं और गाय खरीद के लाते जाऊंगा, क्योंकि मेन अपना चीज से बहुत पैसा आएगा एंड जल्दी जल्दी पैसा बनेगा। तो मैं अभी चीज बनाता हूँ एंड उससे और गाय खरीद लूंगा। और मेरे पास आई थिंक नीचे अंडे पड़े हैं और दो गैस चूल्हे और पड़े हैं, तो मैं इनको ले लेता हूँ। ये ब्लू मोल्ड ले लेता हूँ, मैं ब्लू मोल्ड ऊपर जाके रख देता हूँ। और जो अपना एक कॉम्पैक्ट कुकर है और एक पैन है वो भी ले आता हूँ। ओके तो मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे दो अपन रख सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे एक, रुको यहाँ पे दो रख देते हैं अपन भाई। इतना छोटा टेबल है एक तो अच्छा लगेगा अभी नहीं, कितना भी कुछ भी रख दो। ओ मैं अंडे नहीं लाया, रुको अंडे भी ले आते हैं। ओके अब हम आराम से बनाना चालू कर सकते हैं। 28 दूध है अपने पास, 28 पॉइंट्स। एंड मैं ब्लू मोल्ड मिलाता हूँ ये दूध में और दो अंडे मिलाते हैं भाई। और मैं इसको भाई मल्टीप्लायर में बेचूंगा, नहीं तो नहीं बेचूंगा, क्योंकि वैसे ही पैसे की तंगी है। ओके नाइस, ऐसा लग रहा है अपन चाय बना रहे हैं इस टपरी पे। ओहो बन के रेडी भी है, क्या बात है। तो मैं इसको रखता हूँ इसके अंदर, प्रिजर्विंग बिन के अंदर। ओ 6 आ सकते हैं, चलो मेरे को लगा ही तो 6 आएंगे। और ये भी उठा के हम इसमें रख देते हैं। अब बस ये बनते जाएगा बड़े आराम से, और थोड़ा टाइम लगेगा बट बन जाएगा। चलो हम और बना लेते हैं, अपना दूध तो ख़त्म हो चुका है, ब्लू मोल्ड भी ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ एक बचेगा। और अंडे हैं काफ़ी है। नाइस, चलो लेट्स स्टार्ट कुकिंग। 5 minutes later ये भी बन गए गाइस। ओके तो इनको भी रख देते हैं अपन। अभी गाइस अपन थोड़ा बहुत हंटिंग कर लेंगे और पैसे कमा लेंगे यहाँ पे। अभी ये बनने में बहुत टाइम लगेगा और सिर्फ चार ही हमारे पास, तो कुछ खास पैसा होगा नहीं। तो थोड़ा बहुत गाइस चल के हंटिंग करते हैं। एंड अपने पास वाइल्ड मीट पड़ा ही है तो मैं उसको भी बेच दूंगा। जाने से पहले गाइस मैं अपने चिकन्स के हाल देख लेता हूँ, क्या हाल है भाई उनके, खाना पीना तो नहीं ख़त्म हो गया, पता चला मर गए तो ये भी एक कल्याण है। चलो खाना है, पानी है, नाइस सब कुछ है। ठीक है वेरी नाइस, यहाँ पे भी सब कुछ है। बस यहाँ पे यार ये पिग्स बड़े हो जाएं जल्दी से तो अपना काम हो जाएगा। यहाँ पे पिग्स भाई बड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं यार। यहाँ पे वाइल्ड मीट, ओके वाइल्ड मीट भरा हुआ है भाई अच्छा खासा। चलो चल के बेचते हैं अपन इनको। ओहो हो हो, किस्मत भाई किस्मत, डियर इधर ही आ गया। हेलो, तीन मारा भाई। कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल। चलो बर्गर की तरफ आ चुके हैं। एंड ओहो गाइस वाइल्ड मीट पे यहाँ पे 1.6x मल्टीप्लायर है, क्या बात है भाई। तो यहाँ पे मैंने एक और डियर देखा था, मैं उसको भी ले आता हूँ। हेलो, अबे रिलोड नहीं है, अब हो गई, नाइस। तो ये भी हम डियर ले आते हैं और फटाफट बेच देते हैं भाई, काफी पैसा हो जाएगा गाइस। गरीबी से बाहर निकलेंगे अपन, गरीबी में बहुत रह ली है, अब बाहर निकलने का समय है। चलो तो यहाँ पे बेच दिया जाए वाइल्ड मीट और देखते हैं भाई कितना पैसा मिलता है। प्लीज अच्छा खासा दे दो, $504। ओके मैं अभी कुछ भी ले लूंगा भाई, मल्टीप्लायर में कुछ भी ले लूंगा। नाइस गाइस, $504 हमें मिल चुका है। अब थोड़ा बहुत स्टेबल हो चुका है गाइस अपना इकोनॉमी एंड अब नई चीज़ें खरीद पाएंगे, लेकिन ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे। अभी भी मैं गाय नहीं ले पाऊंगा, गाय लेने के लिए मेरे को वेट करना पड़ेगा। चलो अपन चल के सो जाते हैं गाइस, दिन सुबह और हंटिंग कंटिन्यू करेंगे। ओह मेरे को दिखा था यहाँ पे, ओह देखो भाग रहा। नाइस पकड़ लिया। मेरे को ये देखना है कि पहले तो हम जब सोते थे तो चीज़ नहीं क्योर होता था, चीज प्रोसेस नहीं होता था, लेकिन क्या अब होगा, अपडेट के बाद होगा। 15% पे सोया था मैं, उत्ते पे ही है, लाइक कुछ नहीं हुआ। हाँ ये चीज इनको ऐड करनी पड़ेगी भाई, अगर मैं सो जाऊं तो ये होना चाहिए। मैं क्यों रियल टाइम में बैठा रहूं उसके वेट करता रहूं उसके बनने का, ये थोड़ा खराब लॉजिक है, बट कोई नहीं। हेलो, सुबह हो गई मामू। चलो गाइस दूध निकाल लें अपन और थोड़ा एंड और चीज बना लेते हैं। अभी मैं सिर्फ इसके बाद अंडे वाले चीज बना पाऊंगा और एक ब्लू मोल्ड मेरे पास बचा है तो वो भी चीज एक बन जाएगा।
चलो इधर से भी अपन ने दूध निकाल लिया है। ओके वेरी नाइस 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 नाइस, 14 हो गया अपने पास। ओके अभी मेरे को मीट ग्राइंडर और सॉसेज स्टफर लेना है, लेकिन उसके लिए भी बिल्कुल अभी पैसा नहीं है। मे भी ले सकता हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा पैसा हो चुका है अपने पास, $500-600 हो चुका है हंटिंग करने के बाद, तो ठीक है हो जाएगा। इसमें अंडे डाल के मैं ये भी पका लेता हूँ। एंड एक मिनट, ये चालू की नहीं हो रहा। ओह ये बग अभी भी है, मेरे को फिर से लगाना पड़ा। मैं देखता हूँ कि आपने पिग बड़ा हो गया। एक पिग था भाई, उसको काफ़ी टाइम से रखा हुआ था मैंने, वो अभी तक बड़ा नहीं हुआ गया। ये वाला है, नहीं है, इसको अभी और टाइम लगेगा, इसको अभी और टाइम लगेगा। और ये रहा फीमेल पिग, वो एक और फीमेल पिग, वो मेल पिग, ये मेल पिग, और इधर एक और मेल पिग है। 3 मेल पिग और 2 फीमेल पिग है, ठीक है। और फीमेल पिग मेरे को लाने पड़ेंगे, मैं और फीमेल पिग ही ले आऊँगा, और यहाँ पे एक मेल पिग छोड़ दूंगा, तब अपना काम बन जाएगा। चलो ये हो चुका है, ये हो चुका है तैयार, इसको हम यहाँ रख देते हैं। और अपना कबर्ड पूरा फुल हो चुका है, क्या बात है। 23, 23, 21, 21, 0, 0, 0, नाइस। चलो 6 चीज यहाँ पे बन रहे हैं गाइस, इसको मैं ले जाके नीचे रख देता हूँ, एंड अब बस बनने का वेट करते हैं उसका। ओहो गाइस अपन हंटिंग करते करते बहुत दूर आए, एंड यहाँ पे देखो अपने को क्या मिला, फिशिंग रॉड और कैंप फायर मे बी, बट फिशिंग रॉड तो अपने को मिला है गाइस। आई थिंक फिशिंग आने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि हर जगह तो यहाँ पे लेक ही लेक है भाई, तो फिशिंग नहीं तो और क्या। तो गाइस काफी हंटिंग के बाद अपने पास दोनों डब्बे वापस से भर चुके हैं अपने वाइल्ड मीट से, एंड मैं आया यहाँ पे और फिर से हमारे लिए वाइल्ड मीट का मल्टीप्लायर है 1.9x भाई, इस बार तो इस बार खतरनाक में मल्टीप्लायर है, और $713 भाई, क्या बात है। तो $1,300 हो चुके हैं गाइस फाइनली। होफ एक तो भाई जानवर मिल ही नहीं रहे थे भाई हंट करने के लिए, फाइनली हमें मिला, एंड चलो काफी सारा पैसा भी हो गया है हमारे पास। अब हम और चीजें ले सकते हैं। तो गाइज मैं चलता हूँ अपने जनरल स्टोर की तरफ, नहीं हार्डवेयर स्टोर पे मिलेगा ना वो, एक मिनट, सॉसेज स्टफर और मीट ग्राइंडर मैं देख लेता हूँ, शायद से हार्डवेयर स्टोर पे मिलेगा या दोनों जगह मिलता है। कोई नहीं मैं पहले देखता हूँ यहाँ है कि नहीं, तब जाके उधर चलेंगे अपन। यहाँ पे आई थिंक होना चाहिए, और यस है मैनुअल मीट ग्राइंडर और एक मैनुअल सॉसेज स्टफर गाइस। तो अपन ने ये दो चीज़ें ले ली हैं, और मैं कुछ डब्बे और उठा लेते हैं गाइस, 2 डब्बे और मैं उठा लेता हूँ, डब्बे अपने पास है नहीं। चलो नाइस, काफ़ी चीज़ें और ले ली हैं गाइस, अब अपना किचन थोड़ा बढ़िया लगेगा, अब थोड़ा शानदार लगेगा अपना किचन। तो मैं ये सारी चीज़ें गाड़ी में रख लेता हूँ, एंड अब चलते हैं गाइस हम अपने घर। हम ले चलते हैं दोनों चीज़ें अपनी, मीट ग्राइंडर और सॉसेज स्टफर, और यहाँ पे एक और टेबल मैं बना लेता हूँ। रुको मैं पहले टेबल बना लेता हूँ, ताकि यहाँ पे मैं और सामान रख पाऊँ। तो मेरे को एक और टेबल चाहिए यहाँ से जुड़ा हुआ, या फिर थोड़ा दूर बनाऊँ मैं, चलो जुड़ा हुआ ही बना लेते हैं। आई थिंक बन गया है, सही बना है, परफेक्ट बनाया गया। तो अपने को कितना चाहिए, 9 प्लैंक चाहिए। ओके 9 प्लैंक पहले आके लगा देता हूँ, और ये टेबल अपना तैयार हो जाएगा। ओके अपना ये टेबल भी बन चुका है, और भाई क्या परफेक्ट अलाइन हुआ है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है, बट चलो कोई नहीं। और मैं यहाँ पे ये सॉसेज स्टफर यहाँ पे रख देता हूँ, ओ नहीं उल्टे साइड रखना है, ये यहाँ नीचे की तरफ गिरेगा और ये आगे की तरफ, या फिर हाँ चलो ठीक है आगे की तरफ कर देते हैं भाई, जगह कम है बट एडजस्ट करना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, ये 2 आगे की तरफ, या फिर चिपका देता हूँ इनको, हाँ ठीक है चलो। और ये बर्तन मैं इनके आगे रख देता हूँ ऐसे, नाइस काफ़ी बढ़िया लग रहा है गाइस अपना छोटा सा प्यारा सा किचन अभी के लिए। तो हमारे चीज़ का क्या हाल है गाइस, चीज़ हमारे बन गए 72, 72, और ये एग वाला बन चुका है, क्या बात है। लेकिन अभी टाइम है गाइस थोड़ा, तो थोड़ा और टाइम देते हैं इनको बनने के लिए, तब तक रेस्ट करते हैं भाई, और क्या बन जाएगा गाइस। रेस्ट करने से अच्छा मेरे को एक आइडिया है कि हम लैंप लगा लेते हैं भाई, मेरे पास मेटल तो है ही, तो मैं लाइट लगा लेता हूँ अपने घर में। लाइट अपने पास बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पर मैं एक ऐसी लाइट लगा देता हूँ डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, और मैं एक लाइट सीढ़ी पे लगा देता हूँ, क्योंकि अपन ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ पे एक लाइट ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक लाइट ऐसे, या फिर रुको ऐसा लगा देता हूँ, ओके टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, चलो नाइस। और एक लाइट मैं नीचे लगा देता हूँ अपने गैराज के पास, होपफुली इतना काफ़ी हो अभी के लिए, अभी के लिए अपन इतनी लाइट रखेंगे।
और मेरे पास मेटल शायद 14 बचा है, तो अपन 12 तो यही यूज हो जाएगा। और ये रहा एक लाइट, नाइस, सही लग रहा है यार, पूरा पूरा रूम इल्यूमिनेट हो गया। ये रहा एक मेटल, ये एक और लाइट, ओहो भाई क्या प्यारा लग रहा है, वाओ। और ये एक और लाइट, ओहो भाई साहब क्या बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे ये थोड़ा एक्स्ट्रा मेटल है तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। बट गाइस ट्यूबलाइट लगाने के बाद तो अलग ही लुक हो गया यार ये अपने घर का, बाहर से देखने में भी कितना बढ़िया लग रहा है। अभी तो पेंट हुआ नहीं है भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे पेंट नहीं हुआ है अभी, एंड पेंट के लिए अभी टाइम लगेगा थोड़ा, बट बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है, एस्थेटिक कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मेरे को एक लाइट चाहिए थी, बट यहाँ पे हमारे कारीगरों ने छेद कर दिया था तो यहीं से लाइट आ रही है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट भाई मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है यार, क्या बढ़िया लुक आ रहा है। अब किचन अपना उतना बड़ा बना नहीं है अभी, बट धीरे धीरे करके गए सब हो जाएगा। Approximately 10 hours later. तो गैस हमारे चीज बन के तैयार हैं, देख सकते हो यहाँ पे 5 चीज बन चुके हैं और ये 82% पे है, बट चलो इसको हम बाद में बेच लेंगे। अभी हम ये सारे ब्लू मोल्ड चीज और एक रेड सिंपल एग चीज लेके चलते हैं और बेचते हैं भाई, और फाइनली गैस आज का अपना काम खत्म हो जाएगा। मेन तो यही प्लान था कि हम लोग चीज और मीट का प्रोडक्शन चालू कर दे, बट चलो मीट का नहीं हुआ बिकॉज अभी तक पिक तैयार नहीं है, नहीं तो मैं उसका भी कर देता। हमने लाइटें लगा दी गैस, अपना किचन सेटअप कर लिया, मीट ग्राइंडर और सॉसेज स्टफर तैयार है, जब भी पिग रेडी हो जाएंगे हम मीट का प्रोडक्शन भी चालू कर देंगे। फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं अपने बर्गर शॉप पे एंड वहां जाके बेचते हैं अपना चीज, होपफुली अच्छा खासा पैसा मिले भाई एंड थोड़ा अपना इकोनॉमी बढ़े, थोड़ा बूस्ट मिल जाए अपने पैसे को, अपने बैंक एटीएम को, अरे जो भी है मतलब समझ ही गए आप। तो चलो गाइस बेच देते हैं, देखते हैं कितने का बिक रहा है। ओहो भाई $1400, $1400 भाई क्या बात है। एंड एग चीज मतलब एग चीज ब्लू मोल्ड का भाई $332 मिल रहा है, वाओ ये कितना मल्टीप्लायर है, 1.9x है क्या? ओ भाई 1.9x मल्टीप्लायर पे इतना मिल रहा है, एंड 2x पे तो आग ही लग जाएगी। तो गाइस हम लोग बेच देते हैं $1400 के लिए एंड डन, $2000 हो चुके हैं गाइस हमारे पास। अब थोड़ा हमारा भाई जेब में पैसा आना चालू हुआ है थोड़ा बहुत, अब इकोनॉमी अपना अच्छा हो रहा है, तो अब धीरे धीरे करके और बढ़िया हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे पहले सेव कर देता हूँ। चलो गाइस इसी के साथ हम आज का एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मजा आया हो तो लाइक बटन दबा देना एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस चैनल को अगर अभी तक ना किया हो तो। अगले एपिसोड में हम शायद से मीट का प्रोडक्शन चालू करें और अपने घर को पेंट भी करें, तो और बहुत सारी चीज़ें अभी करना बाकी है, तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड आई विल सी यू वेरी सून, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।